मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। मिर्जापुर में इस साल 80 मतदान केंद्र और 179 बूथों पर बढ़ोतरी हुई। पोलिंग बूथ पर जाकर हमारे संवाददाता ने मतदाताओं से की बातचीत, जरा देखिए क्या कहता है उनका मूड। जैसा कि आप जानते हैं, मिर्जापुर में आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। आइए हम बात करते हैं उन वोटरों से जो आज अपना मत देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनके मन में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर वो अपना मत यहाँ पर देने के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, आपके मन में क्या मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ वोट देने आए हैं? जी, विकास का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, तमाम चीज़ें ऐसी, वही एक मुद्दा है। अच्छा है विंध्य कॉरिडोर जिस प्रकार से हुआ है, वाराणसी में जिस प्रकार से हुआ है, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, बस वही है। और जिस प्रकार से सुरक्षा हुई है, लोग पहले डरते थे, महिलाएं डरती थी रात को, मतलब ज़्यादा बाहर निकलने में, और हर एक आदमी परेशान था उस प्रकार से। मतलब मैं तो जब किसी बाहर प्रदेश में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या पोजीशन है, तो मैं बताता हूँ, तो बड़े गर्व से बताता हूँ कि यहाँ पर अब पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। हमारे साथ कुछ महिला वोटर भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर वो क्या कहती हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। आपके मुद्दे क्या हैं, क्या सोच कर आप वोट डालने आए हैं? मुद्दे मतलब ये है कि हमारा मतलब मोदी मतलब हमको अच्छा मतलब व्यवस्था दिए हैं, वहाँ के मकान दिए हैं, मतलब टूटी नहीं जाए, मतलब घर मिल गया, मकान मिल गया, उनके व्यवस्था अच्छा मिल गया, मतलब लड़का मतलब अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, यही मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर क्या? महिला मतलब सुरक्षा तो हमको अच्छा मिल रहा है, मतलब कोई काम करने जाते हैं तो मतलब उनको अच्छा मतलब व्यवहार मिलता है, प्रशासन से भी उनके व्यवस्था अच्छा मिलता है, हर चीज़ उनको अच्छा मिलता है। आपका नाम? दीपचंद शर्मा। दीपचंद जी, क्या मुद्दे हैं आपके जो यहाँ पे आप वोट डालने आए हैं? वोट डालने हम इसलिए आए हैं कि हमारे यूपी का विकास हो, और यहाँ पे जो बेरोजगारी की समस्या हो यूपी में, उसको आने वाला जो उम्मीदवार हो उसको समाप्त करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी है, वर्तमान परिवेश पिछले गवर्नमेंट की अपेक्षा ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बात करते हैं इस पर। जी, आपका नाम? राजेश चौधरी। राजेश जी, आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं वोट डालने? रोजगार के मुद्दों को लेकर के आए हैं, स्वास्थ्य के मुद्दों को, मेन हमारा रोजगार का मुद्दा है, उसी को प्रेरित करने के लिए है, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वें चरण का आज मतदान हो रहा है, तो कुछ सब अपने अपने मुद्दे लेकर आए हैं, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर आया है, कोई शिक्षा का मुद्दा लेकर आया है, कोई महिला सशक्तिकरण का मुद्दा लेकर आया है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। मैं कैमरामैन अमन के साथ चंदन गोस्वामी, मिर्जापुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।